उधर टूटता रहा गेट, शहर के लोग जाम से जूझते रहे। इतना ही नहीं, कोतवाली क्षेत्र स्थित मजार बदरिया शरीफ में एक लंबे जाम की कतार लग गई। एग्जाम की चपेट में एक एम्बुलेंस भी आ गई, जिसमें एक गंभीर मरीज मौजूद था। जाम को खुलवाने के लिए स्थानीय लोगों ने सहायता की, क्योंकि वहां पर पुलिस मौजूद नहीं थी। आपको बताते चलें कि मोरी गेट स्थित उर्दू गेट ये रोड जौहर यूनिवर्सिटी को जाता है, और इसी को मद्देनजर रखते हुए सपा के कद्दावर नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान ने सरकार से इस गेट के पास होने की अनुमति प्रदान कराई थी, जिसके बाद पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर ने सपा सरकार की मौजूदगी में इस गेट का निर्माण कराया था। इस गेट के निर्माण में लगभग 10 करोड़ रुपए के करीब लगे थे, लेकिन देर रात भारी पुलिस बल प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में इसे तोड़ दिया गया। पुलिस ने इस रोड को आने वाले सभी मार्गों को बंद कर दिया था, क्योंकि गेट को तोड़ने के कार्य में बाधा आती, जिसकी वजह से शहर के लोगों को जाम की परेशानी से जूझना पड़ा।